ये भागवत कथा को अगर आप सुन लोगे तो आपका ज्ञान भी वर्धक होगा, तरुण हो जाएगा और वैराग्य भी, दोनों को बढ़ा देती है भागवत कथा। वाह महाराज, क्या सुंदर बात है, भागवत कथा का इतना महत्व कि ज्ञान और वैराग्य तरुण हो गए। और महाराज बताइए, इस कथा को सुनने से और क्या क्या लाभ होता है? के विशुद्धंत वदंत मह्यम, उन्होंने बताया पंचोग्र पापास छल छदम कारिणः सप्ताहि यज्ञेन कलौ पुनन्तिते। पांच प्रकार के जो महापापी होते हैं, जिनको शुद्ध वेदों की ऋचा भी नहीं कर सकती हैं, चरित्रहीनम न पुनन्ति वेदा, लेकिन ये भागवत कथा उनको भी पार कर देती है। आपको बता दूं, इस कथा में आगे आएगा कि कर्मकांड के बल पर भी धुंधकारी की मुक्ति नहीं हुई, तो उसने इसी भागवत कथा को श्रवण किया है। कह दिया उसने कि गया श्राद्ध सत्यनापी मुक्तिर में न भविष्यति। मेरे भाई, एक बार तो क्या, तुम 100 बार तुम जाकर के गया जी में जाकर के मेरे लिए तुम तर्पण कराओ, मैं इतना बड़ा पापी हूं कि मेरी मुक्ति नहीं हो सकती है। तो पांच महापाप आप जान लीजिए, जो पाप करने वालों को वेद भी शुद्ध नहीं करते। मेरा काम है बताना, आप नाराज मत होना, मुझे मालूम है कि अपने यहाँ पर लगभग बहुत लोग करते हैं इनको, इन पांचों महापापों को, पर मैं अगर नहीं बोलूँगा तो सत्य बोलेगा कौन? इसलिए कहा गया है कि कहते हैं कि अगर गुरु सचो वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोले भय आस तो राज धर्म तन तीन कर हुए बे गई। कौन कौन से ये पांच महापापी? शराब पीने वाला, जो मदरा पान करता है, मैं नहीं कहता है मदरस्ते ही, श्रीमद भागवत में लिखा हुआ ये महापाप है। ईश्वर ने जो तुम्हें अकल दी, उस अकल को नष्ट करने के लिए तुम कोई द्रव्य पियो, कौन सी बात है? मदरा पापी, मदरा पान शराब पीने वाला महापापी है, मांस खाने वाला महापापी है, जुआ खेलने वाला महापापी है, और परस्त्री गमन करने वाला महापापी है। ये चार बताए, लेकिन पांचवा बताए नहीं। बोले महाराज, आप कह रहे थे पांच हैं और ये चार ही बताए। बोले हाँ, पांचवा पापी वो है जो इनमें से एक भी पाप ना करता हो, लेकिन जो इन पापों को करता हो उन्हें अपने घर में रखता हो या उनके घरों में रहता हो, उनको साथ देता हो। आपने हिंसा नहीं की, लेकिन जिसने हिंसा की उसके पीछे पुलिस पड़ी है और आपने घर में रख लिया। कहा साहब, हमने तो नहीं देखा ये कौन था, वो भी महापापी है। ये पांच प्रकार के पंचोग्र पापास छल छद्म कारिणा सप्ताह एक दिन, लेकिन ऐसा भी पाप जो कर चुका हो, इसका ऐसा कोई हुआ तो उदाहरण दिया धुंधकारी का। तो कहते हैं कि एक ऐसी नगरी थी तुंगभद्रा तटे पूर्व अभूत पत्तन मत्तमम यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक गांव था अभूत पत्तन, तो पत्तन नाम के गांव में, और वहां पर एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण निवास करते थे। आत्मदेव ब्राह्मण का अर्थ बड़ा ऊंचा नाम है। आत्मदेव माने जिसने अपनी आत्मा के ब्रह्मत्व को पहचान लिया हो कि मैं ईश्वर हूं, सोहेमस्मि इति वृत्ति अखंडा, तत्व में थे वो ब्राह्मण, आप अपने आप को उन्हें जान लिया था, ऐसे महान ब्राह्मण थे। कहते तुंगभद्रा समीपे तु तट भूमि पत्तन मुत्तमम यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा। उस ब्राह्मण के कारण एक जिसमें अच्छा आदमी होता है पूरे गांव को अच्छा बना देता है, सारे गांव के लोग सत्य सत्कर्म तत्पर है, सब उसमें रहते। धनार्थम धर्म मार्गे ने तथा नित्यम तथा विचार। वह ब्राह्मण नित्य धर्म के काम पर चलता था और धर्म पर ही लोगों को चलाता था, कभी भी उसने अपने घर के अंदर में अधर्म की पाप की कमाई एक पैसा नहीं आने दी उसने अपने घर में। धनार्थम धर्म मार्गे ने ताभ्याम नित्यम तथा विचार, इतना सब करने के बावजूद भी ब्राह्मण दुखी था, क्योंकि न पुत्री ना पिता पुत्री, न पुत्रो ना पिता पुत्री, ना उसके घर में ना बेटा था ना बेटी, संतान ना होने के दुख से बहुत अपने आप को ग्लानी का अनुभव किया। कहा यदि मेरी संतान नहीं होगी तो मेरा तर्पण कौन करेगा, क्या होगा मेरे जीवन में? सोचा यदि संतान नहीं है तो जीवन व्यर्थ है, मरने के लिए जंगल में आत्महत्या करने चला गया। सरोवर के किनारे मुंह लटका करके बहुत खिन्न होकर के ब्राह्मण बैठा हुआ था, एक सन्यासी का आगमन हुआ। सन्यासी ने पूछा कथम रोदिषि विप्रत्वम काते चिंता बलीसी वदत्वम सत्तरम मह्यम
स्वस्य दुःखस्य कारणम्। हे ब्राह्मण, तुम इतने दुखी क्यों? आत्मग्लानि में क्यों भरे हुए? महात्मा ने जब ये प्रश्न पूछे तो वो ब्राह्मण उनके चरण पकड़ करके फपक करके रोटे कहा, मैंने जीवन में कोई भी अधर्म कृत्य नहीं किया, फिर भी महाराज मेरे जीवन में पाल लेते या माया धनु साबंध्या सर्वथा भवि, कोई संतान नहीं है मुझे। और जिसको संतान ना हो, लोग कहते हैं उसको कोई भी शुभ कार्य सफल नहीं होता, क्योंकि पाल लेते या माया धनु, मैं जिस भी गाय को पालता हूं वो गाय बंध्या हो जाती है, दूध देना बंद कर देती है। रोपितो यो माया वृक्षा सोपि बंध्यत्व आश्रयेत, और मैं जिन वृक्षों को लगाता हूं मेरे द्वारा, क्योंकि मुझे कोई संतान नहीं है, मैं जिन पुत्रों वृक्षों को लगाता हूं उसमें कोई फल नहीं लगता है। देखो लोगों में क्या होती है ना, कुछ दकियानुषी परंपराएं चली जाती, ये कहीं शास्त्रों की बात नहीं जो बात बताएगी, पर मान्यता संसार में चली जाती है कि पुत्र नहीं होगा तो इसका मतलब तो जितने महात्मा है इनकी तो उद्धार हो रही नहीं, क्योंकि इनको तो कोई पुत्र है ही नहीं, क्या होगा, ये तो सब गए काम से, न पुत्रो ना पुत्री बा।